Hello students. So we are just started on a topic, that is the topic is solution of a quadratic equation by completing the h bar. A very very important topic here for you, very important. And from this topic, most of question is asked in your exam. Okay. So for understanding this topic, we discuss as follows. Look at here. Here is solution of a quadratic equation by completing the h bar. ओके, सो लुक एट हियर, ये आपसे इसमें कह रहा है ये कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब आप ये सोचो जैसे हम आपसे ये कह दें एक्स स्क्वायर प्लस प्लस मान लो आप ये कह दें 4x प्लस प्लस मान लो आप ये कह दें सॉरी यस 3 ओके इक्वल्स 0, ध्यान देना हम आपसे ये कह रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस नो डाउट अबाउट इट, वेट यस थोड़ा सा आप इसका ऐसे समझ सकते हो, लेट्स वेट अ लिटिल, लेट्स वेट, यस ये ध्यान देना, जैसे मान लो हम ये कह दें ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस आप में से किसी ये डाउट नहीं है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, क्यों क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर इसके क्या एक्ट में, यस दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो For solving such type of problem by a method of completing a square, find its roots. How can we solve it? Look at here. जैसे ये कह रहा है x square plus 4x plus 3 equal to 0. इसमें आपको क्या करना है? इसका by completing method से use करके आप इसको square root find out करने. Okay? तो देखो आप इसको कैसे solve करोगे? इसमें करने क्या होते? देखो ये a square given है. Okay? अब plus ध्यान देना. ये आपका 2ab. ध्यान देना. ये लुक एट हियर, ये आपका है 2ab, जैसे पहले ये ध्यान है स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है a स्क्वायर a अरे मतलब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस जैसे मान लो सपोज करो हम आप ये कह दें जैसे ये ध्यान है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे ये मान लो क्वाड्रेटिक ठीक है, इसमें अगर आपको ये फॉर्मेट जैसे कंप्लीट स्क्वायर बना इसी फॉर्मेट का है ना ये ठीक है, इसमें कह रहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करो, तो बस आपको इसमें बाउंड फॉर्म ये बनानी होती है, ये ध्यान रखना आपको फॉर्म बनाना होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही फॉर्मेट आपको इसमें लाने हैं, खुद सोचो आप खुद सोच सकते हो, देखो ये ए स्क्वायर है मतलब एक्स के प्लेस पे ए और यहाँ देखो टू ए बी है, यानी खुद सोचो अगर जो यहाँ पे है ए स्क्वायर मतलब एक्स इक्वल टू क्या है ए और क्या है देखना और यहाँ से आप सपोज करो 2ab ध्यान देना 2ab इक्वल्स क्या गिवन है 4x, अब देखो 2a के प्लेस पर हमने क्या कहा x है ठीक है, अब b तो ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 4x, अब देखना x से x कैंसिल अब 2 से अब b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2 यानी b की वैल्यू क्या आ गई 2, अब ध्यान देना लुक एट हियर यानी कि b की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन जब आप इसका फार्मूला पढ़े हो तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, लेकिन ध्यान देना यहाँ देखना ए स्क्वायर है प्लस 2ab, ध्यान देना 2ab प्लस b स्क्वायर यही है ना, यानी तुम सोचो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 4 इसको 3 को हम लिख सकते हैं, क्या बताओ 3 को हम बाहर लिख सकते हैं, कुछ सोचो आप ही, जैसे हमें देखो ये एक्चुअली हम फॉर्मेट ये लाने होते हैं, ये जो b है ना यहाँ से देखो ये जो b की वैल्यू 2 है इसी का स्क्वायर ऐड कर लो इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो बस, और उसके बाद से कुछ है ही नहीं, यहाँ देखो अगर यहाँ इसको ऐसे लिखो इसको ऐसे ही लिखो, अब ये जो b आता है ना लुकेट के ये b इसी के स्क्वायर को एक बार ऐड करो और इसी के स्क्वायर को एक बार सब्ट्रैक्ट करो बस, इसके बाद इक्वल्स जीरो, इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, देखो ये आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस देखो कुछ सोचो ये कितना आएगा ध्यान देना, अरे बाबू ये आपका है ये तो 3 रहेगा प्लस 2 तो कितना होगा 4 और ये कितना आएगा माइनस 2, अब सुनो ये क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये प्लस कितना आएगा ध्यान देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम 7 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा ना, अब ध्यान देना अब माइनस 4 ठीक है, तो आप देखो यहाँ को सोचो यहाँ आपको एक्चुअली ना देखो हमने क्या कहा आपको ये फार्मूला बनाना होते 2a और b इक्वल्स क्या है 4x, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई एक्स एक्स खत्म b की वैल्यू सॉरी हाँ b की वैल्यू क्या आ गई 2 यही है ना, तो हमने क्या कहा जो भी आता है ना उसको ऐड कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो ठीक है, अब खुद सोचो आप खुद सोचो यहाँ से आप ऐसे ध्यान देना
लिखा दिया, यही बस आपको सोचने होते हैं, इसके बाद कुछ है नहीं। यहाँ देखना, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स अब प्लस फोर, सॉरी प्लस फोर मतलब एक बार ध्यान देना, एक बार हमने इसको लिखा फिर इसको लिखा फिर इसको लिखा, ताकि हम एक फॉर्मेट बन जाए, एक फार्मूला बन जाए। आप कहोगे सर क्यों हम तो इसको ऐड करके लिखेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा एक फार्मूला बन नहीं पाएगा, हम फार्मूला के चक्कर में है भाई, चक्कर तो होता है ना, ठीक है। चक्कर का मतलब एक फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ओके। सो ये देखना, ये प्लस फोर, अब देखो ये प्लस थ्री या माइनस फोर इक्वल जीरो, यहाँ से सॉल्व करो तो ये देखो एक्स प्लस टू का ये आपको होल स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या आ जाएगा माइनस वन, ये इक्वल जीरो, इसको फिर हो जाए एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना ये ए है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है देखो ए अब प्लस बी, और क्या आता है ए और माइनस बी इक्वल्स जीरो। तो यहाँ से देखो एक्स प्लस थ्री हो जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वन इक्वल्स जीरो। दिस इंप्लाई एक्स इक्वल टू क्या माइनस थ्री और एक्स इक्वल टू क्या माइनस वन। तो ये आपके आंसर हुए, समझ में आ रहा नहीं समझ। अब खुद सोचो आप उसको देखो भाई, जिस मेथड से कहे आप उसी मेथड से इसको फॉलो करोगे, बस ये ध्यान देना। अगर जो आपके कहे बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके इसके रूट फाइंड आउट करो, देन यू कैन सॉल्व बाई दिस मेथड, ओके। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे, इसमें बस आपको देखो क्या है मेन, इसमें आपको बी फाइंड आउट करना है बस। मतलब ऐसे सोचो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो टू ए मैक्सिमम आपको दिया रहेगा, बी नहीं पता होगा, तो टू ए इंटू बी रख लो इक्वल टू टू ए बी जो गिवेन है उसको कर लो, वहां से आप बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। लेकिन हमारे फार्मूले में कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो बी आई ना उस बी का स्क्वायर कर दोगे। एक्चुअली यहाँ देखो यहाँ बी की वैल्यू क्या आई टू, तो हमने टू का यहाँ स्क्वायर कर दिया, तो टू का स्क्वायर क्या आया फोर, जो हमने एक्चुअली फोर एक्स्ट्रा ऐड किया ना, इस फोर एक्स्ट्रा ऐड को इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि इसकी वैल्यू में कोई चेंजमेंट ना आए। यहाँ पर खुद सोचो अगर ये फोर और माइनस फोर कैंसिल आउट हो जाती तो क्या इसमें इसमें कोई चेंजमेंट थोड़ी ना आता, समझ में आ रहा है ना, इसमें चेंजमेंट नहीं आता इसलिए हम इसको ऐसे करते। लेकिन अब खुद सोचो हमने यहाँ चेंजमेंट नहीं भी लाया और मेरा काम आसानी से हो भी गया, समझ पा रहे हैं ना, यानी देखो हम कितने मतलब क्या मतलब अच्छे से सोच पा रहे हैं ना कि मेरा मतलब इसमें कोई चेंजमेंट भी ना आया, मेरा काम भी चल जाए, हमारे रूट्स भी फाइंड आउट हो जाए। तो कुछ नहीं, बस आप क्या करो इसमें जो भी बी फाइंड आउट करे उसी का स्क्वायर को ऐड करो और उतने ही स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो कौन कौन से टर्म्स को लेने पे कंप्लीट स्क्वायर बन जा रहा है, ठीक। एक को ए स्क्वायर मतलब आपको कंप्लीट स्क्वायर का मतलब ये फार्मूला बनाना होता है मैक्सिमम केसेज में, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस बी कर लो ए माइनस बी कर लो, वहाँ से उसको रूट फाइंड आउट कर लो, बस ये क्वेश्चन से और यही सोल्यूशन इससे, बस ऐसे ही आपसे क्वेश्चन दिया। लेकिन हम वहाँ मेंशन करेगा क्या कि बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर फाइंड इट्स, समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा। सो देखो मैं आप जैसे आपको बुक से क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा जैसे ये देखो देखो ये क्वेश्चन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन इन गिवन एग्जांपल थ्रू अ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग दिस, बट ये देखो ये कह रहा है ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बाई मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स इसको आपको सॉल्व करके इसको रूट्स बताना है। तो ये क्वेश्चन के आप पहले यहाँ लिखो टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस थ्री इक्वल्स जीरो, ध्यान देना ये आपको क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको रूट्स बताना है बाई कौन से मेथड से, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ओके। अब सुनना जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है इसका मतलब क्या समझ, फिर ये बताओ इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर सपोज करो कि टू एक्स स्क्वायर प्लस और क्या है माइनस फाइव एक्स, वेट जस्ट वेट अ लिटल, जैसे ये देखो जैसे ये देखो जैसे इसमें हमको क्या बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसके रूट फाइंड आउट करने हैं,
अब तो इसमें कुछ नहीं किया जाता ना, पहले आप इसको इस फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट होता है, इसको हमेशा चेंज कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए प्लस सी अपान ए इक्वल जीरो, और इस फॉर्मेट से ना लेकर के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो यहाँ कोफिशियंट है टू, तो टू का पहले सॉल्व डिवाइड कर लो, ये क्या आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपान टू एक्स प्लस थ्री बाई टू इक्वल जीरो। अब ध्यान देना, ये एक्चुअली ना कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब यही होता ना, ये देखो ये आपका ए है देन ए स्क्वायर, और ये देखो सोचो ए है तो देखिए मेरे फॉर्मूले में क्या आता है टू ए बी, तो सोचो अब यहाँ देखो एक्स का कोफिशिएंट है, इसका मतलब गारंटीड है कि यही टू ए बी क्या यही टू ए बी होगा पक्का। अब सुनो जब ये टू ए बी होगा तो इसको हम क्या करेंगे टू इंटू एक्स इंटू बी इक्वल टू क्या माइनस फाइव बाई टू इंटू एक्स, ठीक है। अब सुनो x से x कैंसिल आउट, अब b की वैल्यू क्या माइनस फाइव बाई, समझ आ रहा ना। अब सुनो जैसे यहाँ माइनस टू था यहाँ टू था टू टू टू, अब देखो ये जो b की वैल्यू है ना हमने क्या कहा जो b आया ना इसी का स्क्वायर ऐड कर लो इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो बस, इसके बाद कुछ है ही नहीं, आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर सकते हो। तो देखो इसी के स्क्वायर के ऊपर ऐड करो इसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ हम लिख सकते हो देखो इसको ऐसे ही पहले लिख दो, आप ऐसे लिख सकते हो प्लस थ्री अपॉन टू, अब देखिए ये क्या है यही है ना माइनस फाइव बाई फोर, हमने क्या कहा माइनस फाइव को जो भी इसी के स्क्वायर को ऐड करो और इसी के स्क्वायर को क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ से क्या आएगा देखो माइनस फाइव बाई फोर है, तो यहाँ से आप क्या करोगे माइनस फाइव बाई फोर का स्क्वायर ऐड होगा, ओके माइनस सिमिलरली फाइव बाई फोर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो लुक एट, अब ध्यान देना एक्चुअली यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई टू एक्स, ओके ये ए स्क्वायर और क्या माइनस टू ए बी, अब प्लस बी स्क्वायर, ध्यान देना प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि देखिए इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो ट्वेंटी फाइव अपान क्या हो गया आलू का क्लियर सिक्सटीन हो गया, समझ पा रहे हैं ना, मतलब ये और ये मिल गया। अब ध्यान देना अब प्लस थ्री अपान टू, आप इसके वास्ते देखो माइनस फाइव बाई फोर, ओके सो इसमें यहाँ से ध्यान देना इसमें यहाँ से यहाँ तक आपको एक फार्मूला बन रहा है, आप अगर सही से इसको देख पा रहे होगे तो यहाँ से फार्मूला किसका बन रहा है, तो यहाँ से फार्मूला एक्स माइनस फाइव बाई ध्यान देना एक्स माइनस फाइव बाई क्या फोर का फार्मूला बन रहा है, इसको देखो अगर इसको हम ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब फाइव बाई देखो बीस मतलब फाइव के स्क्वायर ट्वेंटी फाइव और फोर के स्क्वायर सिक्सटीन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके पास क्या आता है माइनस टू ए बी माइनस टू ए और क्या बी, ओके सो टू ए बी होता है, देखो टू से टू ये कट जाएगा यानी टू यानी फाइव एक्स अपान टू, अब देखो जो भी फाइव एक्स अपान टू है ना वही टू ए बी यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। देखो ये और उसके बाद से बी स्क्वायर यानी ट्वेंटी फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, सिक्स का स्क्वायर सिक्सटीन, फोर सॉरी फोर का स्क्वायर सिक्सटी, तो ये देखो यहाँ से यहाँ ना आपको हमारे कहने का मतलब बाबू यहाँ से यहाँ तक मेरा एक फार्मूला बन गया, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव, जस्ट वेट कर लेता हूँ, ठीक है ये हो गया एक्स माइनस फाइव बाई फोर, ओके इसका स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ से इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा, ओके सो अब इसको सॉल्व करो इसका एल्सियम कितना आएगा फोर, ओके ध्यान देना हाँ इसका एल्सियम फोर कितने टाइम जाएगा तो टू टाइम यानी सिक्स और माइनस इसका वन टाइम यानी फाइव, ओके सो आफ्टर सॉल्विंग लुक एट हियर ये हो जाए एक्स माइनस फाइव का फाइव बाई फोर का स्क्वायर प्लस क्या वन बाई, समझ पा रहा है ना, यानी अब देखो यहाँ से एक्चुअली ना आपको यहाँ माइनस वाला आना चाहिए, अगर ये माइनस वाला आया होता ना तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, लेकिन माइनस आया नहीं तो फिर आप इसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है आप इसको बहुत उधर ले जाओगे इसके रूट्स में एक्चुअली इमेजिनरी नंबर टाइप्स के आंसर आने लगेंगे, ठीक है ऐसे नहीं करोगे, समझ में आ रहा है ना, यानी अब ऐसे देखो बिल्कुल ही अगर सबको इसके भी रूट आएंगे ऐसा नहीं करें इसके रूट नहीं आएंगे, लेकिन इसके रूट है कि क्या इमेजिनरी में आ जाएंगे, ठीक है इमेजिनरी में आ जाएंगे, तो आप इसको इमेजिनरी में करोगे नहीं क्योंकि आपकी क्लास में डेट इज योर बियॉन्ड फ्रॉम योर सिलेबस, ठीक है आपसे बस यही बस देखो जैसे हमने कहा ना बस बस आपको बी फाइंड आउट करना है, सुनो बस आपको बी फाइंड आउट करना उसी बी का क्या स्क्वायर कर लो ऐड कर लो उसी बी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है
अब बस उसमें ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, अब देखो कौन सा कॉम्बिनेशन, क्योंकि माइनस वाला लेने पे कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है, अब कभी कोई प्लस वाला लेने पे कॉम्बिनेशन बनता है। ओके, तो आप इसमें ये देखोगे कि क्या देखोगे कि पहले प्लस वाला लोगे, जैसे मतलब प्लस माइनस, ए प्लस बी या ए माइनस बी का किसका फॉर्मूले का यूज करने से बन पा रहा है। ओके, ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप इससे क्या कराओगे, कंप्लीट करा दोगे, ठीक है, माइनस जो भी रहेगा उधर उसका भी मतलब सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ओवरऑल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट वहां से बन जाएगा, ठीक है। यानी देखो ऐसे, यानी इस वे से हमने जो आपको कंप्लीटिंग मेथड वाला क्वेश्चन कराए, आप अगर ऐसे फॉलो करोगे देन यू कैन सॉल्व अलॉट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ठीक है। सेम वैसे ही क्या देखो जो ऐड किया ना, देखो जो हमने कहा बिल्कुल वैसे देख रहे हैं ना सब, ऐसे देख लो सारे वैसे ही किया, ठीक है। आप इसको देखो फिर हमने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे क्या कि जब कंडीशन क्या होते हैं, तो उसके बाद यूनिक सोल्यूशन, मोर सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है, यानी कौन सी केस में क्या होते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, जैसे ये इसमें रूट्स निकालने को बता रहा है, इसको बिल्कुल हम अच्छे से कराएंगे, ठीक है। तब तो अब देखो ये नेचर ऑफ रूट्स इसी का हम बात कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं, तो कब ये केस अलग अलग कराएंगे, ठीक है। आप इसको देख सकते हो कि ग्रेटर देन जीरो होता है, लेस देन जीरो होता है, तो उसमें से क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके।